इधर का काउंटर में। हाय, हाँ इधर का बताओ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कंप्यूटर है और इधर में आप बिल पे होते हैं कंप्यूटर में, तो ये हम बिल देते हैं। हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आप सबको एक नए वीडियो के साथ। और कैसे आप लोग सब, उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे दोस्तों। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक मलेशिया के बड़ा सा मार्केट में दोस्तों, जो कि बहुत ही फेमस मार्केट है। शॉपिंग मॉल तो है नहीं, लेकिन बिल्कुल शॉपिंग मॉल की तरह भी है, तरह ही है दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं अभी बाहर खड़ा हूँ, अभी मैं एंट्री करूँगा। ये मार्केट है दोस्तों, और इस मार्केट का नाम है NSK गाइस। तो आप उधर भी देख सकते हैं दोस्तों, ये चारों तरफ मैं आपको पहले दिखाया तो बाहर का नज़ारा, जो कि काफ़ी बड़ा मार्केट है दोस्तों और बहुत ही फेमस मार्केट भी है, जो कि बिल्कुल शॉपिंग मॉल की तरह है, लेकिन शॉपिंग मॉल नहीं है दोस्तों, ये मार्केट है। तो चलो अभी आगे चलते हैं, फिर देखते हैं आप लोगों को दिखाते हैं अंदर में क्या क्या है। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों, वीडियो आज का बहुत ही मज़ेदार होने वाला है गाइस, क्योंकि आप लोगों को आज कुछ अलग अलग ऐसी फूड दिखाऊँगा जो कि मलयाली लोग खाना बहुत ही पसंद करते हैं दोस्तों। जो सी फ्रूड कुछ यहाँ पे अलग ही है, जो आपने इंडिया में नहीं मिलता, वो सब चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलो अभी चलते हैं अंदर, जाके देखते हैं दोस्तों क्या है क्या नहीं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, और देखिए। तो अभी मैं एंट्री हो रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं एंट्री गेट है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ एंट्री गेट है, और यहाँ से एंट्री होगा मेरी। और ये सिक्योरिटी भाई, चलो इनसे कुछ बात करते हैं। हेलो भाई, भाई फॉर्म भाई, हेलो मैंने कैसा है भाई, ठीक है ठीक है। क्या नाम है? कितने साल से खरीदते हैं? सिक्योरिटी में काम करते हैं। और दूसरे कंट्री नहीं गए थे इससे आए थे? दूसरे को कतर गए थे। दूसरे कतर गए थे, यहाँ पे भी 3 साल और कैसे रहे? देख सकते हैं गाइस, मेरा मलेशियन दोस्त मिला है यहाँ पर, जो कि अभी भी दोस्त बना है मेरा, सिक्योरिटी का काम करता है इधर। मैं भी काफ़ी दिनों तक सिक्योरिटी किया, मैं भी 2 साल किया। इंडिया का? मैं इंडिया का भाई, इंडिया कलकत्ता से। मैं भी 2 साल तक सिक्योरिटी किया मलेशिया में। देख सकते हैं बनाने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब मैं यूट्यूब पर वीडियो के वीडियो अच्छे अच्छे, जो जैसे कि अपने इंडिया में नेपाल में बहुत सारे लोग हैं आ नहीं सकते हैं मलेशिया में, तो उनको देख सकते हैं जो आप मलेशिया में क्या क्या है। ठीक है ना, ठीक है, बहुत है ना। तो आप अगर चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा भाई बोला जो नेपाली है, सिक्योरिटी का काम करता है, और एंट्री गेट पर ही था दोस्तों, तो बस अभी मैं एंट्री होऊँगा और आप लोग अंदर जाके मिलते हैं। तो ओके गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कह रहा हूँ मैं, कुछ कह दो। हेलो, ठीक है ठीक है, हेलो आज ठीक है ओके ओके दोस्तों, ठीक है जाते। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा मलेशियन दोस्त है जो NSK में काम करता है, मलेशियन भाई। वेरी फॉर्म ब्रो, मलेशिया? सावा। वेरी फॉर्म? सावा। सावा, सावा मलेशिया। व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद शरोई। मोहम्मद शरोई, यू आर मुस्लिम? यस, आई एम आल्सो मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम। ओके ब्रो, गुड लक। नहीं मालूम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसके अंदर में फल जो होता है वो वाइट कलर का होता है, मैं भी खाया, और मीठा भी होता है दोस्तों, जो कि यहाँ पर मलेशिया में मैं आके फर्स्ट टाइम देखा, तो आप लोग भी देख सकते हो। और इसका रेट जो है, ये मलेशियन रुपए में 8 रिंगिट 99 सेंट है दोस्तों। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये जैसे आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जो लीचू की तरह है, अपने इंडिया में जैसे लीचू मिलता है ना, ऐसे ही है। तो ये बिल्कुल अलग है, लेकिन है। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हम मछली जिधर बेचते हैं सी फूड, उधर में पहुंच चुके हैं। तो इधर आप देख सकते हैं, जो कि ये एक अलग ही सफर यार, देखिए कैसा है। ये जो समंदर में मिलता है झिंझो की तरह, जो संभोग होता है,
जिन जो जो हम लोग खाते नहीं है, कभी खाए नहीं है, तो वो भी यहाँ पे सब खाता है दोस्तों चाइनीज लोग। जैसे कि इसका प्राइस भी देख सकते हैं 14 ringgit 90 cents है। तो इसका नाम अभी पूछते हैं, एक हमारा इधर बंधु भाई है उनसे पूछते हैं। हेलो भाई, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? वेयर आर यू फ्रॉम? बंगाली। कैसे भाई, ठीक है? इसका नाम बता सकते हैं आप? नाम है ओयस्टर। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे दोस्त ने बताया, बंगाली दोस्त ने, इसका नाम है ओयस्टर और ये इधर पे काम करता है यहाँ पर। कितने साल हो गए भाई आपको? 4 साल हो गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साज अलम। ओके भाई, माशाल्लाह, मैं इंडिया से भाई। तो जैसे कि आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं दोस्तों, जो सी फ्रूड है ये देख सकते हैं, खेकरा, जो खेकरा बहुत ही बड़ा है दोस्तों, बहुत ही बड़ा है खेकरा, जो समुंदरी खेकरा है, यहाँ के लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, ये मलेशियन लोग जो खेकरा है दोस्तों। और अभी हम आपको दिखाते हैं कुछ उधर ले जाके, अभी आपको हम दिखाते हैं दोस्तों, जो कि आप इंडिया में भी कभी नहीं देखे होंगे। तो ये भी देख सकते हैं दोस्तों, ये भी एक तरह का झिंझू है, तो ये छोटा है थोड़ा, और ये झिंझू के जो अंदर में मांस होता है ना, वो मांस को इन्होंने निकाल के रखा है दोस्तों, मांस को निकाल के बेचता है। और ये भी आप देख सकते हैं, और ये भी दोस्तों झिंझू है, ये भी देख सकते हैं, तरह तरह के झिंझू है यहाँ पर, जो कि चाइनीज लोग बहुत ही पसंद करते हैं। और इसके अंदर कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर में कैसा है, जैसे कि ये टच करते ही बंद हो जाता है दोस्तों, ये अभी तक जिंदा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं झिंझू। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो और भी कुछ खेकरा है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा खेकरा है दोस्तों, ये देख सकते हैं कितने बड़ा है यार, कितना बड़ा है, जो कि बहुत ही बड़ा है दोस्तों, न जाने कैसे खाता होगा इसको। तो मैं अभी तक कभी खाया नहीं दोस्तों, अगर आप लोग कभी इसको खाए हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा है दोस्तों, बहुत ही बड़ा है, और इसको इन्होंने बांध के रखा है रस्सी से, तो आप देख सकते हैं। और अभी हम आपको लेके चलते हैं, जो इंडिया में मिलता है वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, जो इंडिया में नहीं देखे होंगे आपने वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप और भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये समंदरी फिश है, तो ये फिश सब का नाम मुझे भी नहीं मालूम है यार, तरह तरह के फिश है। तो अभी देख सकते हैं आप, ये जो है ये ऑक्टोपस है दोस्तों, ये जो अभी तब देख रहे हैं ये ऑक्टोपस है दोस्तों, और इसका नाम मुझे भी नहीं मालूम है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको। हर एक आदमी नॉर्मली एक बिल्ली तो रखते ही है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी बिल्ली का खाना है, और इसके प्राइस आप जानते हो कितने? देखिए 13 ringgit 90 cents, बस ये छोटा सा पैकेट है जिसमें की 1 kilo जैसा होगा दोस्तों। और बड़ा वाला आप देख सकते हैं, बड़ा वाले का 37 ringgit 20 cents है दोस्तों। ओके दोस्तों, अभी लेके चलते हैं आपको आगे में, फिर और कुछ आपको दिखाते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का सिस्टम है, जो आपने जो भी सामान लिया है यहाँ से, तो यहाँ पर आपको स्कैन करना है, और यहाँ पर आपको पैसे नहीं देने हैं, बस इन्होंने स्कैन करके आपको एक स्लिप देगा, और पैसे आपको जो देने हैं यहाँ पर, जैसे कंप्यूटर में स्कैन होता है दोस्तों, जो कि लड़की ये कर रही है, और यहाँ पर से स्कैन करके आपको पैसे उधर पे करने हैं दोस्तों, उधर में मशीन है दूसरे जिधर आपको पैसे पे करना है। हेलो, हाय, हियर वांट टू पे? ये और ये जो है दोस्तों, ये चाइनीज रेस्टोरेंट है, जो कि इसी मार्केट के अंदर में ये रेस्टोरेंट है दोस्तों, बहुत ही बड़ा है, जो कि मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा है और बहुत VIP भी है, बहुत ही सुंदर है दोस्तों रेस्टोरेंट। और यहाँ पर उन्होंने कुछ इन्होंने अपने रेस्टोरेंट के लिए एड लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं दोस्तों, और ये आप देख सकते हैं। और ये दूसरा हमारा सिक्योरिटी भाई है, जो नेपाली भाई बैठा है सिक्योरिटी। आप लोग अभी और आगे ले चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर में, ये ग्राउंड फ्लोर था दोस्तों, बस यहाँ पे सब्जी मार्केट था, अभी इतना कुछ है नहीं खास, तो अभी आपको लेके चलते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं, ये भी एक दूसरा रेस्टोरेंट है दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, और ये रेस्टोरेंट में क्या क्या बेच रहे हैं इन्होंने, आप देख सकते हैं सब चाइनीज फूड है दोस्तों, क्योंकि चाइनीज लोगों का बहुत फेमस है चाइनीज फूड है दोस्तों, ये भी कुछ इन्होंने प्रीमियम लगाया। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी नेक्स्ट फ्लोर में, पहले ही हम एंट्री करते हुए यहाँ पर कुछ बाजू मिले दोस्तों लेडीज, तो ये बाजू मार्केट है दोस्तों, तो कपड़े का इधर है, जो इधर बनाया हुआ है। तो और हम आपको आगे ले चलते हैं, यहाँ पर मुझे भी एक चीज़ खरीदना है दोस्तों,
बच्चों, तो फाइनली आप देख सकते हैं गाइस, ये मैंने अभी ले लिया आप लोगों के लिए, ताकि वीडियो बनाने के लिए थोड़ा अच्छा हो, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए थोड़ा अच्छा हो दोस्तों। तो बस अभी ले चुके हैं हम इसको, अभी आपको लेके चलते हैं आगे में। और कोई दिक्कत तो जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, उधर नीचे में बिल्ली का खाना है, कितना खाना है, बहुत ही फेमस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर भी है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था ना, जो यहाँ पर बिल्ली बहुत फेमस है दोस्तों। यहाँ पर बिल्ली आदमी बहुत ही ज़्यादा पालता है, हर एक लड़की के पास नॉर्मली देखा जाए तो एक ना एक बिल्ली हर एक आदमी के घर पे है। यहाँ पर बिल्ली को बहुत प्यार करते हैं यहाँ के लोग। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी बिल्ली का खाना है, जो कि नीचे में भी है, तो इधर कोई ज़रूरत ही नहीं था, तो फिर भी इन्होंने इधर भी रखा है, क्योंकि यहाँ पर बिल्ली बहुत ही फेमस है। और आप देख सकते हैं तरह तरह की खाना है बिल्ली का। और अभी आपको आगे लेके चलते हैं और कोई दिखाते हैं। और भी आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कुछ शूज है यहाँ पर, जो जूते कुछ हैं जो चाइनीज स्टाइल में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये चाइनीज गर्ल्स जूता है, जो कि मलयू लोग उतना यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ के लोग बस चाइनीज लोग यूज़ करते हैं, जो कि उन्होंने ही बनाया है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत है, और आप देखने में बिल्कुल जैसे लग रहा है वैसे कपड़े का बना हुआ है, पूरा जैसे लग रहा है पूरा कपड़े का बना हुआ है दोस्तों। और आप ये जूता भी देख सकते हैं, ये तो मैंने देखा ज़्यादातर चाइनीज लोग यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं जूता भी बहुत ही मस्त है दोस्तों। और ये भी आप देख सकते हैं, ये जूता भी बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी और आपको आगे लेके कुछ और दिखाते हैं नए, तो आप ये और देख सकते हो गाइस, ये भी जो आप कुछ डॉल हैं इधर, कुछ डॉल हैं जो कि काफ़ी अच्छा भी है, और मैं आपको इसका प्राइस बता रहा हूँ। ये देखिए इसका प्राइस है दोस्तों 27.97 ये डॉल का। तो इसको निकाल के हम देखते हैं कैसा है, ये देख सकते हैं दोस्तों ये डॉल, तो ये उतना खास नहीं है। दूसरे आपको दिखाता हूँ जो मुझे खास लगता है, अभी मैं दिखता हूँ आपको उसको, तो वैसा कुछ खास नहीं है। ये देख सकते हैं दोस्तों ये डॉल, इसको थोड़ा प्यारा सा लग रहा है, जो कि जिसका प्राइस है दोस्तों 23 रिंगिट मलेशिया का। तो अभी देख सकते हैं डॉल, तो यहाँ पर कुछ डॉल हैं, तो जो कि डॉल काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों, काफ़ी प्यारा भी है। तो आप देख सकते हैं डॉल को कितना मज़ेदार दिख रहा है दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों, अभी और कुछ खास मिला नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो अभी चलता हूँ, मैं भी निकलता हूँ दोस्तों। अभी यहाँ पर कुछ खास और मुझे दिख नहीं रहा जो आप लोगों को दिखाऊँ। चलो जो मैंने लिया है अभी इसको मैं पे करता हूँ और दिखता हूँ इधर का काउंटर में। हाय, हाँ यह का बता। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कंप्यूटर है, और इधर में आप बिल पे होता है कंप्यूटर में, तो अभी हम बिल देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ चीज़ है, और इधर पैसे दे रहे हैं, और ये काउंटर में ये लड़की है जो मलेशियन है, तो ये इधर में काम करते हैं। अभी उनसे मैं कुछ बात करता हूँ आप लोगों के लिए। हेलो का और सो नेम का बोले तो नहीं था अगे दफा दफा, जो कि बहुत शर्मिंदा है, वो आप लोगों से बात नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं ये आंटी है हमारा काका, देखते हैं। तो ओके गाइस, तो उन्होंने बाय बाय कह दिया, अभी चलते हैं। तो इसका पैसा मैं फाइनली पे कर दिया हूँ, तो अभी निकलते हैं। तो ओके गाइस, फाइनली मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रात भी बहुत हो चुका है दोस्तों, मुझे रूम भी जाना है, और कल सुबह मेरा 7 बजे ड्यूटी भी है दोस्तों, ड्यूटी भी ज्वाइन करना है। तो मैं अभी आपको बता दूँ, मैं ड्यूटी ख़त्म करके जस्ट आप लोगों के लिए आ गया था वीडियो बनाने के लिए। अभी जाके मुझे खाना वाना बनाना है, खाना है, फिर कल सुबह ड्यूटी भी ज्वाइन करना है, तो इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ दोस्तों। और वैसे भी मुझे यहाँ पर और कुछ खास लगा नहीं दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो आप लोग इंडिया में देख लिए होंगे, जो इंडिया में है वो मैं आपको दिखाऊँ और आपका टाइम वेस्ट करूँ। मैं कुछ आपको नया दिखाना चाहता हूँ गाइस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया सी फूड कुछ नए है, वो इंडिया में नहीं है दोस्तों, मैंने भी कभी नहीं देखा गाइस इंडिया में, तो सब मैंने आपको दिखाया। और वैसे ही अगर और भी कुछ रहेगा जो इंडिया में नहीं है, आप लोग नहीं देखे होंगे, तो सब मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा। तो ओके गाइस, अगर वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चल जाए।